Hi, good morning students. Now I present here to explain the summary of the chapter The Ailing Planet, The Green Movement's Role by Nani Palkiwala. Nani Palkiwala ne ek article likha tha The Indian Express mein 24 November 1994 mein, jisme focus kiya gaya tha ki jo earth hai, hamari bhoomi hai, prithvi hai, isse insano ne apne use ke liye, apne profit ke liye, अपने फ़ायदे के लिए इसके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लाइट किया है, अंधाधुंध इनका प्रयोग किया है. जबकि उन्होंने ये बताया कि अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो मिट्टी है, ज़मीन है, ये कोई मटेरियल नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, बल्कि एक जीती जागती चीज़ है जिसके अंदर एक आत्मा भी है. ये भी हमारी तरह सांस लेती है, ये भी हमारी तरह जीवित रहती है. तो इसकी नीड्स भी होती हैं और इसका एक वाइटल प्रोसेस भी है जिसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए. लेकिन इसके नेचुरल रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ करने के लिए, अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को मिसयूज़ करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के बाद ये अर्थ एक बर्निंग पॉट में टर्न हो गई है. ये एक बैरन लैंड बन चुकी है, यानी ये बंजर हो चुकी है. और इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही जवाब है, द ग्रीन मूवमेंट. ग्रीन मूवमेंट 1972 में वर्ल्ड की फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी जब न्यूजीलैंड में फाउंड की गई, तब ये स्टार्ट हुआ 1972. ग्रीन मूवमेंट ने सबसे पहले फोकस किया इस पॉइंट ऑफ व्यू पर, इस कॉन्सेप्ट पर, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड एकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. यानी किस तरह से हम यूज़ करेंगे जो हम आज इस तरह से जितने भी इस ज़मीन पर सोर्सेस पाए जाते हैं, जिनसे हम हमें चीज़ें मिलती हैं, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, तो उनका यूज़ हम किस तरह से करते हैं मटेरियलिस्टिक वे से, कि हमारा इस संसार में, इस जीवन में जितना फ़ायदा होना है वो हो जाए. जबकि ग्रीन मूवमेंट ये सिखाता है, इस बात पर फोकस करता है कि अब इन रिसोर्सेज का यूज़ होलिस्टिक और एकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड से करना चाहिए. होलिस्टिक मीन्स होली, पवित्र. यानी अगर हम इस चीज़ को इस नज़रिए से देखें, जिस तरह से केरल के लोग देखते हैं, वहाँ पर जंगल है, हरियाली है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट हैं, तो वो उनको काटते नहीं हैं, कभी भी नहीं काटते, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं, उसे बहुत पवित्र मानते हैं. और इस बात को वो जानते हैं कि अगर हमने इस जंगल को काट दिया, किसी भी पेड़ को काट दिया, या किसी ग्रीनरी को नुकसान पहुँचाया, तो हमारे देवता हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हमारा कुछ अनर्थ हो जाएगा, हमारा कुछ गलत हो जाएगा. तो ये होलिस्टिक व्यू है कि अगर हम किस ज़मीन को लिविंग थिंग मानते हुए उसी किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाएं. इकोलॉजिकल व्यू मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ इतना करें जितनी हमें नीड है, जितनी हमारी प्रेजेंट नीड है. अंधाधुंध किसी भी चीज़ का हमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाए. यानी पर्यावरण में, वातावरण में बैलेंस बना रहे, हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ इस तरह से करना है. तो ये है फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. ये आप समझ गए होंगे. इसके बाद जो इस ग्रीन मूवमेंट का रिजल्ट हुआ, तो इससे ह्यूमन का जो परसेप्शन है वो चेंज हो गया. इतना चेंज हुआ जितना कि उस टाइम पर हुआ था जब कॉपरकिनस ने ये बताया था कि जैसे सूर्य है वो घूमता नहीं है, बल्कि चारों तरफ अदर प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते हैं. पहले सब ये मानते थे कि सूरज जो है वो प्लैनेट्स, जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके अराउंड रिवॉल्व करता है, जबकि उन्होंने ये बताया कि सूरज तो अपनी जगह पर रहता है, अदर प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं. तो उस वक्त जितने सब सरप्राइज्ड हुए थे और कॉन्शियस हुए थे, उतने ही द ग्रीन मूवमेंट से भी हुए. और ग्रीन मूवमेंट से एक आइडिया निकल कर आया, एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया हम सबके सामने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग वही होता है जो अभी आपको बताया, कि इस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, इस तरह से अपनी नीड को फुलफिल किया जाना चाहिए हम ह्यूमन बीइंग्स को, जिससे पर्यावरण में, वातावरण में बैलेंस बना रहे. किसी भी चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है. ग्रीन मूवमेंट का रिजल्ट ये भी निकला कि लोग अर्थ को
एक लिविंग बीइंग की तरह देखने लगे। जो पहले से एक मैटेरियल समझते थे वो अब इसे एक जीवित ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म समझने लगे। और इसे प्रिजर्व करने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी इसे जो भी प्रोसेस थी, वाइटल प्रोसेस, उसे फॉलो करने लगे। और ये बात सभी कंट्रीज़ ने फॉलो की, वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ ने इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। ग्रीन मूवमेंट ने हमें ये भी बताया कि प्लेनेट पर, यानी अर्थ पर, जो पेड़ हैं वो बीमारी की हालत में, एलिंग प्लेनेट, इसीलिए इसको ऑथर ने कहा है कि इसका जो पर्यावरण है वो बिल्कुल दूषित हो चुका है, पेड़ सब कट रहे हैं, ये वेस्ट लैंड में चेंज होती जा रही है, इसकी जो ज़मीन है वो बंजर हो रही है। तो इस तरफ भी सबका ध्यान इस ग्रीन मूवमेंट के थ्रू चला गया। और इसमें ये भी बताया गया था कि मैन, जो इंसान है, वो इस धरती पर रहता है, तो उसके साथ साथ लिविंग स्पीसीज जो हैं 1.4 मिलियंस हैं, यानी इस ज़मीन को जो शेयर करते हैं इंसानों के साथ साथ, वो 1.4 मिलियन और भी लोग हैं, लिविंग स्पीशीज हैं जो हमारे साथ साथ रहती हैं। लेकिन हम इंसानों ने अब अर्थ को डोमिनेट कर लिया है, जैसे कि हमारा राज हो, हमारा किंगडम हो, और हम इसे जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। इस बात पर उन्होंने फोकस किया और ये बात उन्होंने सारी दुनिया को बताई कि 1.4 मिलियन स्पीसीज को छोड़कर सिर्फ इंसानों ने इस ज़मीन को डोमिनेट कर रखा है और इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट जो आई है वो ये थी कि क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए एक जलता हुआ प्लेनेट छोड़कर जाएंगे, या फिर एक बढ़ता हुआ रेगिस्तान छोड़कर जाएंगे, या एक सूखा हुआ लैंडस्केप, या फिर बीमार वातावरण। हमारे पास च्वाइस है कि हम अपनी जनरेशन्स के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। मिस्टर लीसर आर ब्राउन ने भी अपनी बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में ये पॉइंट आउट किया है कि अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, फर्स्ट फिशरीज, सेकेंड फॉरेस्ट, थर्ड ग्रासलैंड्स एंड फोर्थ क्रॉप लैंड्स। यानी ये जो ज़मीन है, अर्थ है, ये 4 सिस्टम पे टिकी हुई है। इसका जो बेस है वो 4 चीज़ों पर है, फिशरीज यानी ओशन, समंदर जिसमें मछलियाँ होती हैं, फॉरेस्ट यानी जंगल जिसमें जानवर्स और अदर एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह रहते हैं, ग्रासलैंड्स घास के मैदान होते हैं जहाँ पर जानवर अपना खाना ढूंढते हैं और उन्हें चरकर अपना पेट भरते हैं, क्रॉप्सलैंड यानी खेत खलिहान की ज़मीन होती है जहाँ पर फसल उगाई जाती है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये सब फॉर्म करते हैं एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को, और हम यही सब सिस्टम्स हमारी फूड की सप्लाई करते हैं, हमारे इंडस्ट्री को, हमारी सोसाइटी को रॉ मटेरियल देते हैं, एक्सेप्ट मिनरल्स और पेट्रोलियम। यानी मिनरल्स और पेट्रोलियम का अगर हम छोड़ दें तो यही 4 सिस्टम हैं जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए सारा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ह्यूमन ये क्लेम भी करता है कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच चुके हैं। मीन्स प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए हम सब इंसानों ने बहुत ज़्यादा फिश का यूज़ करना शुरू कर दिया है, अपनी ज़रूरतों के लिए हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया है, बहुत सारे जंगल गायब हो चुके हैं, घास के मैदान जो हैं वो बिल्कुल वेस्ट लैंड में, बंजर ज़मीन में तब्दील हो चुके हैं, और जो क्रॉप्स फील्ड हैं यानी खेत खलिहान थे उसमें इंडस्ट्री फॉर्म कर ली गई हैं, फैक्ट्रीज लगा ली गई हैं, मल्टीनेशनल स्टोरीज बिल्डिंग बना ली गई हैं, मॉल वगैरह बना लिए गए हैं, तो दूर तक सब ज़मीनी फिश, जो हरियाली है वो एक तरह से ख़त्म ही होती जा रही है, बहुत बुरी तरीके से, बहुत तेज़ी से ये स्पीड बढ़ रही है ज़मीन के सूखने की, बंजर बनने की, जंगलों के कटने की, इसलिए ये डिसबैलेंस हो रहा है। जेम्स स्मिथ के अकॉर्डिंग, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उन्होंने यही कहा था कि हम ये कह रहे हैं कि जंगल जो है 1 सेकंड में 1 एकड़ के हिसाब से ख़त्म हो रहे हैं, यानी 1 सेकंड में 1 एकड़ जंगल कट रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा ये स्पीड बढ़ती जा रही है जो 1 एकड़ से 1.5 एकड़ हर सेकेंड पर होती जा रही है। मीन्स हम अपने जंगलों को खोते जा रहे हैं। अगर एक रिसेंट रिपोर्ट हम देखें तो इंडिया के जो जंगल हैं वो 1 साल में 3.7 मिलियन एकड़ के हिसाब से कट रहे हैं, यानी गायब होते जा रहे हैं। अनऑफिशियल रिपोर्ट अगर हम देखें तो ये
8 गुनी से ज़्यादा भी है। 3 साल की स्टडी जो की गई है सैटेलाइट्स से और ऊपर एरोप्लेन से जो फोटोग्राफी की गई है, ऊपर से जब ली जाती है कोई पिक्चर या तस्वीर तो फिर नीचे का जंगल, नदी, पहाड़, ज़मीन सब बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आता है। तो ये ली है पिक्चर्स यूनाइटेड नेशंस ने, तो उन्होंने इस पिक्चर्स को देख कर एक वार्निंग दी है कि जो हमारा वातावरण है वो इतना बुरा हो चुका है, इतना दूषित हो चुका है कि ये 88 कंट्रीज इसकी लपेट में आ चुके हैं, यानी 88 देशों का वातावरण, पर्यावरण जो है पूरी तरह से दूषित हो चुका है और ये ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक अभिशाप है। और इसकी एक वजह ये भी है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या जो है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, अगर हम 2-3 सेंचुरीज का हिसाब देखें, 19वीं शताब्दी का, 20वीं शताब्दी का, तो इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी है कि इसका प्रेशर भी हमारी अर्थ पर, हमारी प्लेनेट पर काफ़ी पड़ा है। इसका प्रेशर भी आया है, इसका बर्डन भी आता है, क्योंकि डेवलपमेंट तो उसके अकॉर्डिंग होता नहीं है जिसके जितने तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए जंगल, पानी और जो अदर रिसोर्सेज हैं वो सब बहुत तेज़ी से मिसयूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास कोई काम नहीं है लेकिन भोजन तो उन्हें चाहिए। तो इस तरह से पॉपुलेशन का बर्डन भी हमारे एनवायरनमेंट को डिसबैलेंस करता है। इंडिया की पॉपुलेशन आज के ज़माने में हम तो देखें 1 अरब से काफ़ी ऊपर हो चुकी है, 1 अरब का आंकड़ा पार करके 30 करोड़ और भी हो चुकी है और आगे आने वाले समय में भी इसका बर्डन पृथ्वी को ही झेलना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में भूख से मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी एक इसका सोल्यूशन है अपने प्लैनेट्स को सर्वाइवल के लिए। इसका एक रिजल्ट हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो रिच हैं वो और रिचर होते जा रहे हैं, पुअर और पुअरर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो गरीबी है उसको दूर करने का और कोई साधन नहीं है। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हम देख रहे हैं ट्रांसेंडिंग कंसर्न को। ट्रांसेंडिंग कंसर्न मीन्स द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट, यानी हमें लोगों के को सर्वाइव करने की कोशिश नहीं बल्कि प्लेनेट को सर्वाइवल करने की कोशिश पहले करनी है, यानी इंसानों से पहले हमें ज़मीन को बचाना है। और इसके लिए हमें होलिस्टिक व्यू जो आपको स्टार्टिंग में बताया था उसको पूरी तरह से हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट है। और इंडस्ट्री तो आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री हमारे इस इकोनॉमिक सिस्टम में एक रिस्पॉन्सिबल रोल निभाती है, लेकिन ये हमारे नेचुरल रिसोर्स, इंडस्ट्री हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है। इसके लिए चेयरमैन डू पॉन्ट मिस्टर रिचर्ड एस वुडलैंड ने भी आज से 5 साल पहले ये बात कही थी। जो चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर थे उन्होंने ये कहा था कि हमें मैन्युफैक्चरर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंसेस को देखना है। मार्गरेट थैचर जो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप में उन्होंने एक बात कही थी जिसका कोई जवाब नहीं है और इंग्लिश यूसेज में उससे ज़्यादा कोई फैलिसियस वर्ड नहीं मिल सकते हैं। नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कोई भी पीढ़ी इस ज़मीन पर, इस ज़मीन का फ्री होल्ड लेकर पैदा नहीं हुआ है, यानी वो उसकी जायदाद नहीं है जहाँ जिस ज़मीन पर वो रहता है। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, हम सब की ज़िंदगी यहाँ पर ऐसी है जैसे हम किराएदार हों, यानी इस ज़मीन को हमने किराए पर लिया है किसके लिए, विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, यानी पूरी रिपेयरिंग लीज पर हमें ये ज़मीन मिली हुई है। अगर इसमें कोई किसी तरह की कमी आती है, कुछ डिसबैलेंस आता है, तो उसे फुलफ़िल करना, उसे रिपेयर करवाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मिस्टर लेसर ब्राउन की वर्ड्स में अगर हम देखें तो उन्होंने भी ये बात कही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये, हम इस ज़मीन के वारिस बनकर पैदा नहीं हुए हैं, ये हमें अपने बाप दादा से विरासत में ये ज़मीन नहीं मिली हुई है बल्कि इसे हमने अपने बच्चों से उधार लिया हुआ है। मीन्स कहने का इतना ही मतलब है कि हमें इस ज़मीन की हर सिस्टम को बैलेंस बनाए कर रखने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स जितना भी कर सकते हैं उतना करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मच थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।